ये TGDPGT मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन वीडियोस में डे थ्री में डायनेमिक्स चल रहा है। टॉपिक चल रहा है प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप पे गति। ठीक है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन है, प्रक्षेप के 2 सेकंड बाद एक प्रक्षेप 36 से 30 अंश कोण बनाता है, यानी यहाँ से चला और 2 सेकंड बाद वो 30 अंश का कोण बना रहा है, तथा इसके 1 सेकंड बाद 36 चलने लगता है, यानी कि सीधा हो जाता है, बिल्कुल क्षैतिज डायरेक्शन में चलने लग जाता है। प्रक्षेप का वेग और प्रक्षेप पे कोण, प्रक्षेप पे वेग निकालना यानी यू फाइंड करना और ये अल्फा फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस का जी टी अपॉन यू कोस अल्फा। ठीक है, जब डायरेक्शन बदलता है तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, डायरेक्टली फॉर्मूला। थीटा यानी कि ये 30 हो गया, 30 अंश के कोण पर है, तो टाइम कितना है 2 सेकंड बाद, यानी टेन थर्टी इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस का जी इंटू 2 सेकंड अपॉन यू कोस अल्फा। 10:30 है 1/√3 इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस का 2g अपॉन यू कोस अल्फा। तो ये हो जाएगा यू कोस अल्फा अपॉन रूट थ्री इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस का 2g। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। उसके बाद कहा है कि उसके अगले सेकंड यानी कि तीसरा सेकंड, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम हो जाएगा 2 सेकंड, ये 1 सेकंड यानी 3 सेकंड हो जाएगा टाइम। तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे और थीटा हो जाएगा 0, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्षैतिज होना यानी कि 10:0 इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस का जी इंटू 3 अपॉन यू कोस अल्फा। 10:00 हुआ करता है। ठीक है, तो 10:0 क्या हो जाएगा, 10:0 हो जाएगा 0। तो यहाँ से फॉर्म बन जाएगी 0 इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस का 3g अपॉन यू कोस अल्फा, 0 इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस का 3g। ठीक है, यानी कि यू साइन अल्फा इक्वल टू 3g, यू साइन अल्फा इक्वल टू 3g आ गया। इक्वेशन नंबर 2, यू साइन अल्फा इक्वल टू 3g, इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। समीकरण 1 और 2 को से कंपेयरिंग कराते हैं या यू साइन अल्फा की वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/2 से यू साइन अल्फा की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दें, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, समीकरण 1 में मान रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा यू कोस अल्फा अपॉन √3 इक्वल टू 3g माइनस 2g, यानी कि आ जाएगा जी। ठीक, तो ये इक्वेशन हमारी अब बन जाएगी यू कोस अल्फा अपॉन √3 इक्वल टू जी, यानी कि यू कोस अल्फा इक्वल टू √3g, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ठीक है, समीकरण 2 और 3 का वर्ग करके जोड़ने पर तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 9g² प्लस का 3g². ठीक है, √3 का स्क्वायर यानी कि 3g². तो ये हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर और 12g², यानी यू स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 12g². यहाँ से हम यू की वैल्यू फाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यू इक्वल टू आ जाएगा 2g√3 मीटर बाई सेकेंड। ठीक, यू की क्वांटिटीज आ चुकी है। यू पूछा था उसने, प्रक्षेप पे वेग पूछा था एंड प्रक्षेप पे कोण। प्रक्षेप पे कोण निकालने के लिए समीकरण 2 को समीकरण 3 से डिवाइडिंग कर देते हैं, यानी कि यू साइन अल्फा अपॉन यू कोस अल्फा इक्वल टू 3g अपॉन √3g। ठीक है, यू से यू कैंसिल हुआ, जी से जी, तो यहाँ बनेगा √3, यानी कि 10 α इक्वल टू √3 एंड 10 60, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, तो अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री आ चुका है, यानी कि सर्टन प्रक्षेप पे कोण एंड प्रक्षेप पे वेग दोनों ही मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कणों को 36 से, एक तो 30 अंश से फेंका जा रहा और एक 60 अंश से फेंका जा रहा, 30 अंश और 60 अंश से फेंका जाता है, समान महत्तम ऊंचाई पर ऊपर जा सकते हों, दोनों समान महत्तम ऊंचाई पर जा सकते हों, तो प्रक्षेप पे वेगों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, अगर दोनों की महत्तम ऊंचाई बराबर है, क्वेश्चन में कहा है
अगर दोनों महत्तम ऊंचाई पर जा पा रहे हैं तो उनका जो वेग होगा वो बताना है। ठीक, एक को 30 अंश के कोण पे फेंका जा रहा, यानी कि दो कंडीशंस हैं, एक प्रोजेक्टाइल ये जिसका अल्फा 30 अंश है और एक प्रोजेक्टाइल ये जिसका अल्फा 2 मान ले रहे हैं, इसका 60 अंश है। इसकी जो हाइट है h1 मान लें, इसकी हाइट h2 है, h1 बराबर h2 दिया हुआ है। तो प्रक्षेप पे कोण, प्रक्षेप पे वेग इसका u1 एंड u2, पूछा है u1 रेशो u2, ये हमको निकालना है, यानी कि प्रक्षेप पे वेगों का अनुपात क्या होगा। हाइट का फॉर्मूला लगा दें, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा अपॉन जी। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, जी होता है कि 2g होता है, 2g होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो यहाँ पे u1 रखा जाएगा एंड u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2 अपॉन 2g। ठीक है, u1 हमको फाइंड करना है एंड साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2g एंड u2 स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर 60 अपॉन 2g। 2g से 2g कैंसिल हुआ, u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर 60 अपॉन साइन स्क्वायर 30। ये हो जाएगा अंडर 3/2 का हॉल ऑफ स्क्वायर एंड 1/2 का हॉल ऑफ स्क्वायर, 3/4 अपॉन 1/4 कैंसिल हुआ 3/1। ठीक है, u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर, ठीक है, u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर इक्वल टू 3/1, यानी कि u1 अपॉन u2 इक्वल टू अंडर 3/1। तो ये हो जाएगा हमारा u1 रेशो u2 इक्वल टू अंडर 3/1, यानी कि प्रक्षेप के कोणों का अनुपात अंडर 3:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक कण किसी h मीटर ऊंचाई मीनार के उच्चतम बिंदु से, यानी कि h मीटर ऊंची एक मीनार है, मीनार के उच्चतम बिंदु से यहाँ से फेंका जाता है, क्षैतिज से फेंका जा रहा, इस तरह से फेंका जा रहा, क्षैतिज से फेंका जा रहा, तो धीरे 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 उसका पाद इस तरह से प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। एक कण, मैं क्वेश्चन पहले बोल दे रहा हूँ, एक कण किसी h मीटर ऊंची मीनार के उच्चतम बिंदु से u वेग से क्षैतिज से फेंका जाता है, यानी कि u इसका वेलोसिटी है, क्षैतिज से फेंका जाता है, कितने समय बाद वह मीनार के चरण में जाने वाले क्षैतिज धरातल पर गिरेगा, यानी कि मीनार का जो चरण में जाने वाला क्षैतिज धरातल यहाँ पे कितने समय बाद गिरेगा, टाइम पूछा है। ठीक है, हाइट h, h इक्वल टू उसका वेग है, h इक्वल टू हाइट है मीनार की, u है इसका क्षैतिज वेग। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा h इक्वल टू u प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की अवस्था में u ऊर्ध्वाधर वेग, पार्टिकल का ऊर्ध्वाधर वेग शून्य होगा। ठीक है, या ऊपर से नीचे की अवस्था में जब गिरता है तो u इक्वल टू जीरो होता है, तो इस अवस्था में भी u का मान जीरो लिया जाएगा, h इक्वल टू जीरो प्लस का हाफ gt स्क्वायर, यानी h इक्वल टू हो जाएगा gt स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 2h अपॉन g इक्वल टू t स्क्वायर, टाइम पूछा था, यानी t इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g, जो t इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g पश्चात वह क्षैतिज धरातल पर टकराएगा, यानी कि क्षैतिज धरातल पर वह गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पत्थर का टुकड़ा h ऊंचाई की मीनार की चोटी से अंडर रूट टू जी एच के वेग से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है, यानी सीधा फेंका जा रहा, तो धीरे 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 उसका पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्षैतिज से फेंका गया तो धीरे धीरे इस तरह से पाथ बन जाता है। टुकड़ा भूमि पर मीनार के चरण से कितनी दूर और किस वेग से टकराएगा, एक तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है और यहाँ पे वेग फाइंड करना है, किस वेग से वह टकराएगा, किस वेग से गिरेगा पृथ्वी पर या मीनार के चरण पर, और कितनी दूरी पर गिरेगा। तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे एक्स, यानी कि क्षैतिज दूरी इक्वल टू क्षैतिज वेग गुणा समय। तो क्षैतिज वेग तो यही काम करेगा, इसी से क्षैतिज वेग से फेंका जा रहा, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2gh इंटू टी, टाइम टी मान लिया है, इतने से इतने में टाइम टी लगा। अब बताती है कि h के लिए h इक्वल टू ut प्लस हाफ
जी टी स्क्वायर। इनिशियली में वेग यू जीरो माना जाएगा, ऊर्ध्वाधर वेग शून्य होगा, हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि टी इक्वल टू होगा अंडर रूट टू एच अपॉन जी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं टी का, एक्स इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच इंटू अंडर रूट टू एच अपॉन जी, देन एक्स इक्वल टू आ जाएगा टू एच। ठीक है, एक्स इक्वल टू आ जाएगा टू एच। अब बताती है कि 36 दूरी 2h आ चुकी है और 36 वेग हमारा आ गया था। अब हमको निकालना है कि इनिश लास्ट वाला वेग कितना होगा, कि अभीष्ट वेग किस वेग से वह टकराएगा। पत्थर जो का टुकड़ा मीनार से 2h दूरी पर गिरेगा, ये तो कंफर्म हो गया है। टकराते समय उसका ऊर्ध्वाधर वेग सपोज b है, यहाँ पे वेग मान लिया b है, तो b इक्वल टू होगा ut टी प्लस बी इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, तो u तो इनिशियली में जीरो था, b इक्वल टू जीरो प्लस जी टी, तो g इंटू टाइम t, t कितना है, t आया है अंडर रूट टू एच अपॉन जी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं अंडर रूट टू एच अपॉन जी, तो v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट टू जी एच। अब टकराते समय ये भी वेग अंडर टू जी एच आएगा, ये भी अंडर टू जी एच है, परंतु जब टकराएगा उस समय पे जो अभीष्ट वेग काम करेगा है ना, दोनों वेग क्या होंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। एक तो ये चल रहा था और एक अभीष्ट वेग, ये परपेंडिकुलरली लाई करेंगे है ना, तो ये वाला वेग इधर की ओर काम कर रहा, एक्ट कर रहा, पृथ्वी पर डायरेक्टली टकरा रहा है, और ये 37 से यूँ चल रहा था, तो यहाँ पर जो अभीष्ट वेग माना जाएगा तो उसका रिजल्टेंट यहाँ काम करेगा। ठीक है, तो अभीष्ट वेग हम बी डेस मान ले रहे हैं, अभीष्ट वेग यानी कि वी डेस इक्वल टू टकराते समय वेग, तो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी डेस इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से एक्टिंग करेगा वेग, तो टोटल वेग यानी कि टकराते समय अभीष्ट वेग जो लगेगा वो आएगा यू एंड बी दोनों बराबर थे ना अंडर रूट टू जी एच, तो वी डेस इक्वल टू हो जाएगा वी डेस इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच प्लस टू जी एच, यानी कि अंडर रूट फोर जी एच वी डेस, एंड वी डेस इक्वल टू टू अंडर रूट जी एच। इस वेग से टकराएगा, जो टकराते समय पृथ्वी पर टकराने का वेग होगा टू अंडर रूट जी एच। जनरली तो निकल गया था अंडर रूट टू जी एच, बट वो आंसर ऑप्शन का गलत हो जाता, जो टोटल ऑफ वेग एक्ट करेगा उस पॉइंट पर वो होगा टू अंडर रूट जी एच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक 36 समतल पर प्रक्षेपक का परास महत्तम होता है जब उसकी महत्तम ऊंचाई परास की 1/4 गुना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है महत्तम ऊंचाई एच इक्वल टू 1/4 इंटू आर। ठीक है, किसी परास किसी क्षैतिज समतल पर प्रक्षेप का परास महत्तम होगा, परास क्या होगा इसका, महत्तम होगा यानी महत्तम हमको शो करना है, परास महत्तम होगा जब जब उसका उसकी महत्तम ऊंचाई परास की 1/4 है। ठीक है, परास महत्तम होगा, पहला पॉइंट आता है कि परास महत्तम कब होता है, जब परास महत्तम होता है, परास महत्तम होता है तो अल्फा इक्वल टू होता है 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड इक्वल आ जानी चाहिए, एच की वैल्यू रख दें, आर की वैल्यू रख दें और अल्फा इक्वल टू 45 रख दें, तो दोनों साइड बराई करनी चाहिए या बराबर आ जानी चाहिए। ठीक है, तो एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी, एंड ये होगा आर का यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन जी, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी, जी भी कैंसिल कर दें, इक्वल टू साइन टू अल्फा का यानी कि टू साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन फोर, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और इस टू से एक टू आ जाएगा, ये टू भी कैंसिल हुआ, साइन अल्फा इक्वल टू कोस अल्फा जी गया, यानी कि टेन अल्फा इक्वल टू वन और अल्फा इक्वल टू 45, तो टेन 45 यानी परास महत्तम है, शो कर रहा है कि दोनों कंडीशन अगर ये बराबर हैं तो अल्फा इक्वल टू 45 पे हैं, अल्फा इक्वल टू 45 पर परास महत्तम होता है। ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं बनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ चुका है पीजीटी एग्जाम में, पीजीटी टीजीटी दोनों में आ चुका है। एक प्रक्षेप का 36 परास समतल, 36 तल पर परास प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई का 3 गुना है, यानी परास इक्वल टू आर इक्वल टू 3h। 36 एक प्रक्षेप का 36 तल पर परास ऊंचाई का 3 गुना है, तो सिद्ध करना उसका उड्डयन काल, उड्डयन काल निकालना है। उड्डयन काल यानी कि टी इक्वल टू 8u/5z ये आ रहा है, उड्डयन काल इतना आएगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन पीजीटी में ज़्यादा आता है, टीजीटी में भी आया हुआ है, यानी कि उड्डयन काल टी फाइंडिंग करना है। कंडीशन दिया हुआ है परास ऊंचाई का 3 गुना है, तो आर का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दें, यू स्क्वायर साइन 2α/g इक्वल टू 3, ये होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2α/g, जी से जी कैंसिल हुआ, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हुआ, साइन 2α इक्वल टू 3/2 साइन स्क्वायर अल्फा, साइन 2α यानी कि 2 sin α cos α इक्वल टू 3/2 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ये कैंसिल हो जाएगा, 2 sin α इक्वल टू 3/2 सॉरी कोस अल्फा 3/2 साइन अल्फा, 4/3 इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, तो 4/3 इक्वल टू 10α। ठीक है, यहाँ से हम साइन अल्फा एंड कोस अल्फा की क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, ट्रायंगल बना के यहाँ से वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। सपोज ये ट्रायंगल्स है और ये 4, ये 3 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेनियस यानी लंब आधार ये कर्ण, तो यहाँ से हम साइन अल्फा निकाल सकते हैं, 4/5 आ जाएगा, एंड कोस अल्फा निकालेंगे तो 3/5 आ जाएगा। अब लेना ओडियन कार्ड टी इक्वल टू होता है 2u sin α/g, ठीक है 2u/g साइन अल्फा है 4/5, तो टी इक्वल टू होगा 8u/5g, यही प्रूफ करना था, आ चुका है टी इक्वल टू 8u/5g। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये हो चुका है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तोप के गोले का दो भिन्न प्रक्षेप कोणों के लिए दिए गए क्षैतिज तल पर एक ही परास है। ठीक है, यानी कि तोप का गोला है, दो भिन्न भिन्न कोण, एक मान लिया अल्फा कोण से जा रहा, दूसरा बीटा कोण से जा रहा, तो दोनों का जो परास है वो सेम है, एक ही पॉइंट पे जाकर गिरता है। ठीक है, जो रेंज है वो बराबर है। ठीक, दूसरा पॉइंट कहा है कि उनकी ऊंचाइयाँ अलग अलग हैं, एक की h है और दूसरे की h' है, तो सिद्ध करना है कि r² = 16hh', ये प्रूफिंग करना है, यानी ये ऑप्शन उसमें लाना है। ठीक है, तो जो रेंज है वो अल्फा कोण पे होगा, u² sin 2α/g, ठीक है, एंड बीटा पे भी दोनों पे बराबर है रेंज, ये होगा u² sin 2β/g। ठीक है, तो यहाँ से u² sin 2α = u² sin 2β, u² g से u² g कैंसिल हुआ, sin 2α = sin 2β, देन sin 2α = लिख सकते हैं sin 180 - 2β, ठीक है, या 180 - 2α यहाँ पे लिख लें, एक ही जगह चेंज करें कहीं भी कर सकते हैं, तो 2α = 180 - 2β, यानी 2α + 2β = 180, यानी α + β = 90 डिग्री आ गया, या β = लिख सकते हैं 90 - α, अल्फा और 90 - α कोण पर परास का मान समान होता है, वही कंडीशन यहाँ पे वराई हो रही, एक अल्फा पे वही है और 90 - α पे भी वही है। अब बात आती है हाइट की, h = u² sin² α/2g, ये होगी अल्फा कोण पर हाइट, और h' है बीटा कोण पर, u² sin² β/2g, तो बीटा की वैल्यू पुट कर दें, बीटा की वैल्यू है 90 - α, u² sin² 90 - α/2g, ठीक है, ये h' आ चुका है, h' = u² cos² α/2g, ये h' हो गया, ओह ये h हो गया, हमको वेराई करना है h h', ठीक है,
इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 16HH इक्वल टू आर स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो 16H का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2G एंड एच डैश है यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2G। तो यहाँ से ये हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसे, आर स्क्वायर के बराबर आ जाना चाहिए। आर का जो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर, आर क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 16 अपॉन 4 जी स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, करेंगे 4 हो जाएगा 4 अपॉन जी स्क्वायर यू स्क्वायर का स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर इंटू 4 को 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर यू स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि ये लिखा जा सकता है यू स्क्वायर इंटू 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा का कंप्लीट का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। 2 साइन अल्फा कोस अल्फा को साइन 2 अल्फा लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी का होल ऑफ स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी का होल ऑफ स्क्वायर यानी आर का होल ऑफ स्क्वायर। क्योंकि यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी आर होता है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, यानी कि 16HH इक्वल टू आर स्क्वायर। यही बराई करना था, यही इसका आंसर लाना था, आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रक्षेप पे किसी बिंदु से यू वेग से फेंका जाता है। देखिएगा, प्रक्षेप पे किसी बिंदु से यू वेग से फेंका जाता है, इस तरह से यू वेग से फेंका जाता है और क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है। क्षैतिज से क्या बना रहा, थीटा कोण बनाता है। सिद्ध कीजिए कि वह किसी समय यू अपॉन कोशक थीटा अपॉन जी के बाद प्रक्षेप से अपनी पहली दिशा के लंब दिशा पर होगा, ठीक है। यानी कि ये सपोज इस तरह से है, हमको आर्टिकल प्रूफ नहीं करना, हम बता देंगे क्या कंडीशन है। इसकी लंब दिशा में अगर यहाँ पे थीटा है तो इस जगह पे इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये 90 पे ले रहे हैं, परपेंडिकुलर अगर निकल रहा है तो इसके लंब दिशा में इस पॉइंट पर यहाँ पे एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ये पॉइंट बी मान ले, ये ए मान ले, इसका जो कंपोनेंट है यू साइन थीटा और इधर की ओर चल रहा है तो ये क्षैतिज कंपोनेंट यू कोस थीटा रहा होगा, ठीक है। और प्रक्षेप वेग यू, ये पॉइंट पी मान लिया, तो इस तरह से अगर वो टकरा रहा है, यहाँ से मूव करके आया है तो इस पॉइंट पर जो वेग होगा, मतलब टी टाइम बाद, ठीक है, तो टी टाइम बाद उसके लंब दिशा पे आ रहा है, ठीक है। तो वो टाइम होता है यू कोसेक थीटा अपॉन जी, यू कोसेक थीटा अपॉन जी होगा। लंब दिशा में आने पर उसका जो टाइम लग रहा है, जो टाइम लगेगा वो होगा यू कोशक थीटा अपॉन जी। थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, देखिएगा, और यहाँ पे एंगल ना होगा 90 प्लस थीटा। अब बता दी कि ए पर वेग यू का क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव यानी यहाँ पे क्षैतिज अवयव होगा इक्वल टू होगा बी पर वेग का क्षैतिज अवयव। यहाँ पे वेग यू चल रहा है, यहाँ पे सपोज वेग बदल गया होगा मूव करने पर, वेग कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, ठीक है। इनकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है, नीचे की ओर बढ़ेगी जैसे जैसे कम हुई होगी। यहाँ पे वेग का क्षैतिज अवयव ये 90 माइनस थीटा पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये ट्रायंगुलर फॉर्म बनाते हैं तो थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा, यानी कि यू कोस थीटा इक्वल टू बी साइन थीटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। अब लाते हैं बी पर प्रक्षेप का नीचे की ओर वेग,
बी पॉइंट पर नीचे की ओर जो वेग होगा, बी पर प्रक्षेप का नीचे की ओर वेग, नीचे की ओर वेग होगा वो होगा यू कोस थीटा, और ए पर ऊपर की ओर वेग यू साइन थीटा, ए पर ऊपर को यू साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं बी इक्वल टू यू माइनस जी टी से, ठीक है, यू प्लस जी टी नीचे की ओर मूव कर रहा, पार्टिकल नीचे की ओर गिर रहा, तो बी की जगह बी कोस थीटा, बी कोस थीटा एंड बी कोस थीटा, और ये हो जाएगा ऊपर की ओर ये वाला चल रहा था माइनस का यू साइन थीटा प्लस जी टी। इक्वेशन नंबर टू आ गया। बी का मान समीकरण एक से दो में रखने पर जो बी का वैल्यू है समीकरण एक से समीकरण दो में पुट कर देते हैं। ये ऊपर की ओर जा रहा है, हम नीचे की ओर चल रहे हैं, तो ये माइनस में साइन लिया जाएगा यू साइन थीटा। अब यहाँ से बी की वैल्यू वन से टू में रख देते हैं, तो बी का वैल्यू हो जाएगा यू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बी का वैल्यू हम रख दे रहे हैं समीकरण एक से समीकरण दो में यू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ये कोस थीटा चल रहा है यू साइन थीटा प्लस जी टी। अब यहाँ से टाइमिंग निकाला जा सकता है, इनको एक साथ ले लें, सेपरेटिंग कर लें, तो टी निकालेंगे तो टी आएगा यू कोसेक थीटा अपॉन जी, यानी कि लंब दिशा में आ रहे हैं दूसरे के, तो यू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस का यू साइन थीटा इक्वल टू जी टी। तो ये होगा यू कोस स्क्वायर थीटा, एलसीएम लिया साइन थीटा प्लस यू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जी टी। तो ये होगा यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू जी टी, एंड टी इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा यू कोसेक थीटा इक्वल टू जी टी। तो टाइम लेना था, टाइम टी इक्वल टू यू कोसेक थीटा अपॉन जी, टी इक्वल टू यू कोसेक थीटा अपॉन जी। इतने समय पश्चात वह वो पहले पिंड से किस अवस्था में होंगे, यानी कि लंब दिशा में होंगे, 90 कोण अंश के कोण की दिशा में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक पिंड बारी बारी से वेगों के भिन्न कोणों पर फेंकता है, यदि दोनों बार एक ही परास हो जिनका उड्डयन काल टी 30 डेज है, ठीक है, यानी कि एक पिंड दो बार फेंका गया है, ठीक है, एक बार सपोज अल्फा पे एक बार बीटा पे, तो दो भिन्न भिन्न कोणों से फेंका गया है, दोनों का परास आर है। परास आर कब होगा, एक अल्फा कोण पर, यानी समान परास होता है अल्फा कोण पर और 90 माइनस अल्फा कोण पर, दो बराबर दो परास समान परास तभी हो सकते हैं, यानी कि बीटा इक्वल टू होगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है, यानी समान परास अल्फा और 90 माइनस अल्फा कोणों पर ही होते हैं, तो उसको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। टाइम टी और टी डैश है, एक में टाइम सपोज टी लग रहा है, एक में टाइम टी डैश लग रहा है, तो टी इक्वल टू होगा टू यू साइन अल्फा अपॉन जी पहले के लिए अल्फा कोण के लिए, एंड टी डैश इक्वल टू टू यू साइन अल्फा की जगह बीटा अपॉन जी। तो जहाँ पे बीटा है, बीटा को 90 माइनस अल्फा ले ले अपॉन जी, यानी कि टी डैश इक्वल टू टू यू कोस अल्फा अपॉन जी हो जाएगा। टी एंड टी डैश आ चुके हैं, अब लेना है कि हाफ जी टी डैश ये आर के बराबर होगा, हमको प्रूफ करना था आर इक्वल टू जी हाफ जी टी टी डैश, जैसा रिलेशन दिया होगा तो कौन सा कंडीशन सही है, चार ऑप्शन बनेंगे, तो उनमें से यानी कि हाफ जी टी टी डैश, हाफ जी टी टी डैश को एक साथ रखते हैं, देखें किसके बराबर आएगा, हाफ जी टी है टू यू साइन अल्फा अपॉन जी, एंड टी डैश है टू यू कोस अल्फा अपॉन जी, एक जी कैंसिल हो गया 1/2, एक टू भी कैंसिल कर दें, टू यू स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन जी, यानी कि यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन जी, ये आ गया आर, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू अल्फा अपॉन जी, यानी आर इक्वल टू 1/2 जी टी टी डैश, प्रूफ हो चुका है। तो इतना सा क्वेश्चन लिख के आता है, जो प्रूफ करने वाला पॉइंट है वो उसके चार ऑप्शनों में से कोई सा एक करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन है हमारा, दो प्रक्षेप फेंके जाते हैं, एक 30 अंश के कोण पर और दूसरा 60 अंश के कोण पर,
दोनों एक ही जगह गिरते हैं, 30 और 60 पे एक ही जगह गिरेंगे, यानी अल्फा और 90 माइनस अल्फा है, अल्फा अल्फा इक्वल टू अगर 30 है एंड बीटा इक्वल टू 60 है, तो बीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा यानी कि 90 माइनस का 30 इक्वल टू 60, तो रेंज क्या होगी, परास समान होगा, समान होगा, ये कंडीशन तो वेराई कर ही रहा है, कंडीशन परास समान होगा। उनके कहा है कि टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, इसका टाइम T1 मान लो, इसका टाइम T2 मान लो, तो कभी कभी पूछ लेता है कि किस में टाइम ज़्यादा लग रहा, 30 अंश वाले में या 60 अंश वाले में। तो रेंज का तो बारे में पता ही है कि 90 और 90 माइनस अल्फा कोण पर रेंज समान होती है या परास समान होता है, तो क्या क्या उनका जो एंगल्स हैं मतलब टाइम आने में कितना लग रहा है। तो पहले हम T1 की बात कर रहे हैं, 2u साइन अल्फा अपॉन जी यानी कि 2u साइन 30 अपॉन जी, तो ये साइन 31/2 होता है, कैंसिल करेंगे तो T1 इक्वल टू आएगा u अपॉन जी, ठीक है। तो पहले में टाइम u अपॉन जी लग रहा है एंड T2 इक्वल टू 2u साइन बीटा अपॉन जी यानी कि बीटा है साइन 60 यानी कि 2u इंटू √3/2 कैंसिल हुआ अपॉन जी एंड T2 इक्वल टू आ गया √3u अपॉन जी। तो हमारे पास T1 है u अपॉन जी, T1 है u अपॉन जी एंड T2 है √3u अपॉन जी, T1 T2 आ चुके हैं, जहाँ पे T1 छोटा है T2 से, यानी कि 30 अंश के कोण पर जब फेंका जा रहा है तो वो जल्दी पहुँच रहा है, ठीक है, टाइम कम लग रहा है, और 60 अंश के कोण से फेंका जा रहा है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। भले ही प्रयास समान है तो टाइम उनमें दोनों में डिफरेंट था, थोड़ा थोड़ा टाइम का डिफरेंट है, अंतर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है और इसको करा देते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ये एक बंदूक यू मीटर पर सेकंड के वेग से चारों ओर 37 स्थल में गोलियां दागती है, यानी यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और बंदूक से गोलियां दाग रहा है, ये ऐसे ऐसे गिर रहा है, चारों तरफ दागता चला जा रहा है, तो एक सर्किल बन जाएगा इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ जहाँ भी खड़ा होगा वहाँ से बंदूक से गोलियां दाग रहा है, एक कंडीशन में गोलियां दागता चला जा रहा है, ठीक है। तो उसकी जो गोलियां इस तरह से गोलियां गिरती चली जा रही होंगी, जहाँ जहाँ पे गोलियां गिर रही हैं तो वो एक सर्कुलर पॉइंट बन जा रहा है, सेंटर में होगा ये ना, ये आगे नहीं दिख रहा है, तो ये प्राणी जो होगा जो बंदूक लिए खड़ा है वो सेंटर में होगा, यू वेग से गोलियां दाग रहा है, चारों ओर गोलियां दाग रहा, गोलियां वृत्त के अंदर गिरती हैं यानी कि वृत्त में गिर रही, एक वृत्त की फॉर्म बना रही है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब देखिएगा, गोलियां जो मैक्सिमम दूरी पर गिर रही हैं यानी अल्फा इक्वल टू 45 पर गिर रही होंगी मैक्सिमम डिस्टेंस पर, तो उसकी जो रेंज होगा r² u² g होगा, यानी कि r यहाँ पे मैक्सिमम होगा, r रेंज मैक्सिमम होगा, यानी कि महत्तम परास की अवस्था होगी, महत्तम परास, ठीक है। तो ये जो रेडियस होगी r जो रेडियस होगी वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो होगा u² g, ये होगा इसके वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक। अब लेना हमको वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है π r² यानी पाई एंड u² g का होल ऑफ स्क्वायर एंड पाई u² u^4 / g² पाई u^4 / g², ये हो जाएगा इसका वृत्त का क्षेत्रफल, यानी जिस वृत्त में गोलियां दागी जा रही हैं उसका क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि क्षैतिज परास महत्तम ऊंचाई का 4 गुना 4 गुना है, r इक्वल टू 4h, देन अल्फा फाइंड करना है, ठीक है। तो उसका प्रक्षेप्य कोण यानी अल्फा क्या होगा, r इक्वल टू u² sin 2α / g इक्वल टू 4u² sin² α / 2g, जी से जी कैंसिल हुआ, u² से u² sin 2α होगा, 2 sin α cos α इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, हो जाएगा 2 sin² α कैंसिल हुआ, 2 से यहाँ तो 2 हाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos α इक्वल टू sin α एंड 1 इक्वल टू tan α यानी कि tan 45
अल्फा इक्वल टू 45 अंश यानी कि पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 45 अंश की कोण पर, 45 अंश के कोण पर इसका परास, किसी प्रक्षेप्य का परास उसकी महत्तम ऊंचाई का 4 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परास महत्तम ऊंचाई का 4√3 गुना है, तो अल्फा फाइंड करना, ये भी इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, यानी आर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी इक्वल टू 4√3 H है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, यू स्क्वायर कैंसिल हुआ, साइन 2 अल्फा होगा 2 sin α cos अल्फा इक्वल टू 4√3 sin² α, ये कैंसिल हुआ यानी कि 2 cos α इक्वल टू 4√3 sin α ट्वाइस, cos अल्फा इक्वल टू 2√3 sin α। इसमें 2g होता है, 2g होता है, तो नीचे यहाँ पे 2 काम कर रहा होगा, 2g होता है तो 2 रहा होगा, यहाँ भी 2 रहा होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड 1√3 इक्वल टू हो जाएगा 10 α, यानी अल्फा इक्वल टू 30 अंश, 30 अंश आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, एक कण साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 4/5 के प्रक्षेप कोण से प्रक्षेपित किया जाता है। उसका परास 24 मीटर है, तो प्रक्षेप वेग यू फाइंड करना है, प्रक्षेप वेग कितना होगा। ठीक है, तो उसका प्रक्षेप वेग कितना होगा ये हमको फाइंडिंग करना है। ठीक है, प्रक्षेप कोण यानी अल्फा इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स 4/5, यानी कि साइन अल्फा इक्वल टू 4/5, यहाँ से हम कोस अल्फा निकाल सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा यानी कि √1 माइनस का 16/25 एंड √9/25 यानी कि 3/5 आ गया कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा दो चीज़ें आ चुकी हैं। उसका प्रक्षेप कोण है, प्रक्षेप किया जाता है, प्रक्षेप वेग यू निकालना है, यू परास आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, आर है 24, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा में होगा 2 sin α कोस अल्फा अपॉन जी, 24 इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 2 sin α है 4/5 एंड कोस अल्फा है 3/5, 4 × 12 = 24, ये कैंसिल हुआ यानी कि यू स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू 25 यानी कि यू स्क्वायर इक्वल टू 25g, यू इक्वल टू √25g, इसको सोल्व कर सकते हैं या इस कंडीशन में इस तरह से भी आंसर दिया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से भी आंसर हो सकता है, यू इक्वल टू आ गया √25g। एक क्वेश्चन इसमें और लगा दें, काफ़ी क्वेश्चन हुए हैं, एक एक्सरसाइज अभी और बाकी है, उससे भी कुछ अच्छे क्वेश्चन छाटने हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, एक कण 39.24 मीटर/सेकेंड के सेप के वेग से और 37 से 30 अंश के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो उसका प्रक्षेप की दिशा से समकोण बनाने वाली दिशा से कब चलेगा। ठीक है, समकोण बनाने वाली दिशा से चलता है t=2u cosα/g, समकोण बनाने वाली दिशा से, समकोण बनाने वाली दिशा से बना कोण, दिशा से चलने में लगा समय, बाकी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले में आ जाते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू ड्रा करेंगे उसमें निकल आते हैं, तो ये भी फॉर्मूले में वैल्यू ड्रा करेंगे, यू का वैल्यू पुट कर दें, अल्फा का वैल्यू पुट कर दें और आंसर
निकल आएगा, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ही क्वेश्चन दिया है, कर्ण एक कर्ण यू इक्वल टू दिया 218 सेमी बाई सेकंड, सेमी बाई सेकंड के तथा प्रक्षेप कोण 60 अंश से प्रक्षेपित किया जाता है, तो महत्तम ऊंचाई h फाइंड कर रहा है। तो h का फॉर्मूला लगा देंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। फॉर्मूले में वैल्यू ड्रा करना है, बहुत कुछ नहीं। तो जो फॉर्मूला वैल्यू रखने वाले हैं तो वो आसानी से लगाए जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख निकल आता है। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन है 981 सेमी बाई सेकंड का वेग है, यू इक्वल टू 981 सेमी बाई सेकंड, अल्फ्रक्षेप कोण 15 अंश है, परास आर पूछा, यू स्क्वायर साइन 2α/g। फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकल आएगा। तो जो फॉर्मूला बेसिस हैं वो आसानी से हो ही सकते हैं। अभी इसमें एक एक्सरसाइज और बाकी है, और नथ समतल वाले, तो कभी कभी नथ समतल से भी क्वेश्चन आ जाता है। भाई फॉर्मूला वैसे ही आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। तो उसकी फॉर्मूला बता के जो कुछ क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे।